गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हमने इंट्रोडक्शन बताया, प्रोकैरियोटिक का परिभाषा बताए। अब हमारा टॉपिक चलेगा यूकैरियोटिक। कॉपी कलम निकाल के रखो, रेडी हो जाओ, लिखते रहोगे तो दिमाग भी रन रन काम करेगा। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक अब चलेगा। केंद्रिकी में जीन का विस्तार दो पार्ट पढ़ाए, तीसरा पार्ट इस सारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमने बार बार समझाया कि सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं तो हमने समझा दिया। स्टूडेंट को चाहिए कि हर वीडियो को कम से कम शुरू से अंत तक सुने। कौन पॉइंट, कौन खासियत क्या निकलेगा या वीडियो सुनने के बाद ही मालूम चलेगा, है नहीं खोले तरह एक मिनट देखे फिर उसको बंद कर दिए तो उससे नॉलेज नहीं होगा। अगर आपके मन लगता है कि हम जानते हैं तो आप जानते हैं, तो कितना इस विषय पर आप जानते हैं। हम कई बार इसका सिग्नल हमने दिया है कि हमारे स्टूडेंट कुछ भी देखते हैं बाकी तो नहीं बराबर देखते हैं। अगर पुनः यही करेंगे फिर हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्या वीडियो बनाने में नेट खर्चा होती है, मेरा कई पसीना निकलता है, इसमें एक एक वर्ड लिखना पड़ता है और आप इसको अगर रिवाइजिंग नहीं करेंगे, पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे, अब पुनः वीडियो बनाना बंद कर देंगे, काहे हम दो घंटा टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप अगर इसको पूरा देखेंगे तभी हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हमारी जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पूरे जोश से उत्साह से हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पुनः हम बंद कर देंगे, ऑफलाइन का इंतजार करेंगे। अब मोबाइल में सब दिखा पड़ता है, कौन स्टोर कितना व्यू देखा, कितना मिनट देखा, कितना वॉच टाइम हुआ, सब मालूम चल जाता है। इसलिए मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ कि हर टॉपिक को जो मैं भेज रहा हूँ उसको शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, समझ गए। और गार्जियन को चाहिए कि अपने अपने स्टूडेंट को कम से कम ध्यान रखे कि पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, टाइम देख रहा है देख रहा है, वीडियो देख रहा है देख रहा है, सारा चीज आप अपना नॉलेज के लिए स्वयं स्टडी करें। अब आपको कोई फाउंडेशन देगा तब आप पढ़ेंगे, आप ऐसा नहीं है, आप स्वयं जो है एक जिम्मेदार है, इसलिए आपको नॉलेज बढ़ेगा तो आगे लाइफ साइकिल आपको काम देगा, ये हमेशा ध्यान रखें। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक, केंद्रिकी में जीन का विस्तार इस यूनिट सेकेंड का ही है। अब यूनिट सेकेंड आज समाप्त हो जाएगा, अब हम पुनः ऑफलाइन भी जो होगा यूनिट सेकेंड हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए अपना मोबाइल से ही सारे स्टूडेंट को देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे उसको भी ध्यान से देखना है। ऑफलाइन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमेशा याद रखना है। अगर किसी मन में या कंफ्यूजन है कि ऑफलाइन खुलेंगे तो फिर सर हमको पढ़ेबे करेंगे, मोबाइल देखने से क्या फायदा है, ये गलत फहमी मत रहिए। इसलिए अपना जो हम मेटेरियल भेज रहे हैं, जो खजाना मैं भेज रहा हूँ उसको कम से कम ग्रहण करते जाइए। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक का जस्ट उल्टा बोलना है, जिसका न्यूक्लियस डेवलप होते हैं उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक में प्लांट भी आ गया, एनिमल्स भी आ गया, समझे, फंजाई भी आ गया उसका भी न्यूक्लियस डेवलप होता है, एल्गी भी आ गया उसका भी न्यूक्लियस डेवलप होता है। डिफिनीशन, जिसका न्यूक्लियस डेवलप होते हैं तो उसे यूकैरियोटिक,
जैसे यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसका न्यूक्लिया डेवलप होते हैं तो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स ईटीसी, प्लांट एनिमल्स ईटीसी। यह मल्टी सेलुलर होते हैं, इसका बॉडी मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर अनेक कोशिका, जिसका बॉडी अनेक कोशिका का बना होता है, अनेक सेल का बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। सेल डिवीजन की क्रिया होती है, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से न्यू जेनरेशन का निर्माण होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ईटीसी, सारे सेल पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस डेवलप होता है। इसमें राइबोसोम एक्टीएस के रूप में पाए जाते हैं, राइबोसोम एक्टीएस के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लोग कैसा सेल हुए, मल्टी सेलुलर होते हैं। यह मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। बहुकोशिकी का मतलब जिसका बॉडी अनेक सेल का बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसमें अनेकों क्रोमोसोम, इसमें अनेकों क्रोमोसोम, अनेकों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें सेल डिवीजन की क्रिया, इसमें सेल डिवीजन कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया। यह मल्टी सेलुलर होते हैं, अनेकों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेल डिवीजन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, सारा सिस्टम होता है यूकैरियोटिक में। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल का नाम है, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, गॉल्जी बॉडी, इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गॉल्जी एपरेटस भी कहते हैं,
लाइसोसोम सुसाइड बैग कहते हैं, आप हत्या की थैली, तारानुमाकृति सेंट्रोसोम ईटीसी पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसमें राइबोसोम एटीएस के रूप में पाए जाते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसका न्यूक्लियस डेवलप होते हैं तो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, प्लांट एनिमल्स ईटीसी। यह मल्टी सेलर होते हैं, अनेकों कोशिका का बना होता है, अनेकों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेल डिवीजन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिक्रियोलस पाए जाते हैं, इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पावर हाउस ऑफ ए सेल, माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी आत्महत्या थैली लाइसोसोम तारानुमाकृति सेंट्रोसोम ईटीसी पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम एक्टीएस के रूप में पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। रिप्रोडक्शन के माध्यम से, यह रिप्रोडक्शन के माध्यम से न्यू जेनरेशन का निर्माण करते रहते हैं। यह रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विस्तार करते रहते हैं। इसी क्रिया को जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जीन का विस्तार कैसे हुआ? रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीन को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं। इसी क्रिया को जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक कहते हैं। चैप्टर जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक समाप्त हो गया। इसको आप ध्यान से पुनः एक बार स्टडी कर लेंगे।
या मोबाइल से पुनः यूट्यूब चैनल माध्यम से सुन लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। और कर्माणी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लाइक या सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर हमारी कॉन्फिडेंस